नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई, इस वक्त आपको लेकर के आई हूं हिसार शहर की रेड स्क्वायर मार्केट पे, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास राणा ने अपने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां रामनिवास राणा का कार्यालय यहां पर मौजूद है और साथ ही मौजूद है रामनिवास राणा के समर्थकों की भीड़, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। जिस तरीके से देख सकते हैं कि पंडाल के अंदर हुजूम बड़ा भारी है, इससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबरदस्त टक्कर जो है हिसार शहर के अंदर रही है। और इसके रोहित बातचीत कर लेते हैं। रोहित जी, कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है आज, जिस हिसाब से लोग पहुंचे, क्या लग रहा है कि अब के बाद टक्कर कैसी होने वाली है? ऐसा है जी, आप यहाँ पे देख सकते हो 36 बिरादरी, चाहे वो अग्रवाल समाज से हो चाहे पंजाबी समाज से हो, 36 बिरादरी बाबूजी राणा जी को आज इतना आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। हम सोच रहे हैं का हम विजयी होने के बाद इनका ऋण उतारेंगे। किस तरह से उतारेंगे? प्रॉपर तरीके से हिसार शहर में मैनेजमेंट के, प्रॉपर तरीके से हम विकास के कार्य करेंगे। और 36 बिरादरी को किसी भी समय 24/7 24 घंटे राणा साहब जन सेवा मोड के हमेशा ना कुछ होते हुए भी हाजिर थे और होंगे तो भी हाजिर होंगे, ना होंगे तो भी हाजिर रहेंगे हमेशा। शहर में निर्दलीय पार्टियों से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, 4 उम्मीदवार आप पार्टियों के अलावा भी खड़े हुए हैं, उनको लेकर के क्या लगता है कि कितना माहौल जो है आपके हिस्से से खराब होने वाला है या ठीक होने वाला है? निर्दलियों का आपको फायदा होगा या नुकसान? ऐसा है जी, शहर की जनता सब समझती है, सब भाजपा के उम्मीदवार है, तीन उम्मीदवार है, तीनों भाजपा की ABC, तीनों भाजपा की टीम है। जनता को पता है इनमें से अगर कोई भी जीतता तो हिसार शहर का सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि पहले भी इन्होंने जो हमारे बड़े घराने रहे हैं, अब ये पूर्व मंत्री रहे हैं, जो पूर्व मेयर रहे हैं, शहर की जनता इनको भुगता नहीं, इनको झेला है 10 साल इनको। और शहर की जनता हमको 100% यकीन है कि अब की बार ये गलती भूल चुक ना करके अपने बीच का, अपने भाई अपने बेटे को, जो गरीब वर्ग से है, किसानी परिवार से है, जो सबको मध्यम वर्गीय से लेकर चलते हैं, उनका साथ देकर एक तरफा, हमको नहीं लगता हिसार शहर के अंदर किसी के साथ हमारी कोई फाइट है, कोई फाइट ही नहीं है। हिसार शहर एक तरफा बाबूजी राणा जी और कांग्रेस के समर्थन में एक तरफा ये सीट जिताकर जोड़ी में डालने काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई हिसार ही रहने देंगे, पेरिस नहीं बनाएंगे। हिसार में जो समस्या है, सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, उनको खत्म करने का काम करेंगे। इसका मास्टर प्लान बना करके, जो सीवरेज का है, आज सभी सीवरेज ब्लॉक है, इनका मास्टर प्लान बना करके, इसका मास्टर प्लान बनाने के बाद इसको शहर में बड़ी पाइप लगा करके उसको जो गैल गैल पाइप दबेंगे, पीछे पीछे जो है RCC सड़क बनाने का काम करेंगे। गुप्ता जी कहते हैं कि 10 सालों में चार उदाहरण विकास करते हैं, समस्या के क्षेत्र में बड़ा कुछ करा? कुछ नहीं करा, सिर्फ जो मेन सड़कें हैं, हाईवे हैं, उन पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई है, और शहर को बीच में जो है मोहल्ले में, गलियों में, जहाँ जहाँ मोहल्ले हैं सभी में सीवरेज का बुरा हाल है, सारा शहर थोता हुआ पड़ा है। आपको 5 साल जनता देती है स्वास्थ्य के लिए, सरकारी अस्पताल में क्या कुछ सुधार करवाओगे? वो तकरीबन लोगों के बीच जा जाकर जो समस्या होगी, मैं पूरे शहर की एक गली में जा चुका हूँ, मैं पूरे शहर में एक गली को जानता हूँ, कहाँ क्या समस्या है, वो सभी समस्याएं हर हाल में पूरी करने का काम करेंगे। टक्कर है ही नहीं किसी के साथ, टक्कर जनता की है, जनता की उनके साथ टक्कर है, मेरी कोई टक्कर नहीं है। मेरा तो मेरी तो जनता चुनाव लड़ रही है, मैं तो 5 साल से जनता के बीच रहता हूँ, और जनता के बीच में रह करके काम करता हूँ, और जनता मेरा परिवार है, टक्कर कोई नहीं है, एक तरफ ही लहर है। मैसेज में अपील करना चाहे तो मैं यही अपील करूंगा हिसार की जनता से, जितने भी प्रतिनिधि खड़े हैं, आपने परख कर देख लिया है उनको, एक मौका मुझे दो, मुझे भी 5 साल परख कर देखो, मैं सभी हर समय आपके बीच में रहने का काम करूंगा, और आपके जो कहोगे वही काम कराने का काम करूंगा। कुछ लोग तो आपके बिल्कुल पीछे पड़े, अभी पीछे ही हैं, पीछे का है, पीछे साथ ऑफिस में खड़े हैं, पीछे का वही घरा पीछे ही है, पीछे रहते हैं, पूरा हिसार शहर पीछे मेरे, पूरा हिसार शहर मेरा परिवार है, 5 साल है मेरे साथ है, सारा हिसार शहर मेरा साथ है। एक ही पार्टी से 4 लोग खड़े हो गए, 3 निर्दलीय, 1 पार्टी नहीं, टिकट पार्टी वो तो भाजपा से है,
भाजपा में जाएगा वो एक तरफा नजर आने लग रहे। वोट काटू तो नहीं कह रहे आपने? आप उनको वोट काटू तो नहीं कह रहे? वोट काटू नहीं कह रहे, इतिहास है भाजपा का। देखो आप सारे भाजपा के, सारे भाजपा के, सब भाजपा के। ये है मेरे साथ रोहित रामनिवास राडा। फिलहाल आपको बता दूं जानकारी के लिए कि भाई हिसार शहर के अंदर कार्यालयों का उद्घाटन जो है लगभग हर पार्टी हर कैंडिडेट की तरफ से कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी माहौल जो है हिसार शहर का क्या रहने वाला है, कौन सा कैंडिडेट, कौन सा प्रत्याशी जो है सबसे मजबूत नजर आने वाला है। खैर, अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।